अगर आप एक पेट ओनर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉग्स को पेडिग्री देने का सही तरीका क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं शुभम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपके पास छोटा सा पपी है, एक महीने का या फिर दो महीने का, तो आपको उसे स्टार्टिंग से ही स्टार्टर खिलाना है। मैं आपको कुछ पेडिग्री के ब्रांड रिकमेंड करता हूँ, जैसे कि पेडिग्री कंपनी का मदर पपी स्टार्टर। और अगर आपके पास बजट की कमी नहीं है तो आप रॉयल कैनन का मदर पपी स्टार्टर भी दे सकते हो, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। और सबसे बेस्ट है एनएनडी का मदर पपी स्टार्टर। मैं तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, अगर आपका पपी एक महीने से लेकर छः महीने का है तो आपको उसे स्टार्टर ही खिलाना है। जब वो छः महीने से लेकर एक साल का हो जाएगा तो आपको उसे पपी वाला पेडिग्री खिलाना है, और जब वो एक साल के ऊपर हो जाएगा तो आपको उसे एडल्ट वाला पेडिग्री खिलाना है। दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि डॉग को पेडिग्री खिलाना किस तरीके से। तो दोस्तों, आप अपने पपी को डायरेक्ट पेडिग्री मत खिलाइए। हल्के गर्म पानी में आप 15 से 20 मिनट पेडिग्री को भिगा कर रखें, और जब वो भीग के अच्छे से फूल जाएगी तब आप अपने डॉग को ये खिलाइए। अगर आपके पास एक या दो साल का डॉग है तो आप उसे डायरेक्ट भी पेडिग्री खिला सकते हो, लेकिन दोस्तों पेट के अंदर पेडिग्री जाने के बाद वो फूल जाती है और आपका डॉग पेट भरा होने की वजह से पानी भी नहीं पिएगा, तो आपके डॉग में पानी की कमी हो सकती है। इसलिए आप पेडिग्री में थोड़ा सा पानी डाल कर दीजिए, इन्हें खाने में भी आसानी होगी। अब दोस्तों, क्वांटिटी कितना देना है? तो दोस्तों, आपके डॉग के हेज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से आपको उतनी क्वांटिटी देना है। पेडिग्री के बैक के पीछे आपको ऐसी गाइडलाइंस दिख जाएगी, तो उस हिसाब से आप उतनी क्वांटिटी दे सकते हो। दोस्तों, यहाँ पर जितना लिखा हुआ है वो एक दिन का है, उतना ही आपको एक दिन में अपने डॉग को देना है। दोस्तों, जब आपका डॉग छोटा होता है तो उसे पेडिग्री की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब वो बड़ा हो जाएगा तब आप उसे सिर्फ पेडिग्री पर ही डिपेंड मत रखिए, उसे और भी बहुत सारी चीज़ें खिलाइए, अंडे, चिकन, राइस। सिर्फ पेडिग्री पर ही डिपेंड रखोगे तो आपके डॉग के लिए सही नहीं है। तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।